करने वाली हूँ तो उसमें ऐसे दिखा दे कि आप सीढ़ी पे ऐसे खड़े होते हो और जब आप आगे जाओ। तो आप कुछ रहो गया, अचानक से क्या हो गया था मुझे। मैं उस टाइम पे रोने लगी थी बहुत ज़्यादा और कैमरा भी बंद हो गया था हम लोगों का उस टाइम पे। तो हम यहाँ पे एक वीडियो शूट कर रहे थे और मैं सीढ़ी पे खड़ी थी और अचानक से पता नहीं कैसे मुझे दिखा नहीं और मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गई। तो बहुत जोर से उस टाइम पे तो चोट आई, लेकिन पता नहीं था कि वो इतना एक्सट्रीम हो जाएगा। तो मैं गिरी तो उसके बाद मतलब वीडियो वगैरह तो हम लोग ऑब्वियसली हमने बंद कर दिया था। फिर मम्मी और दीदी वगैरह सब, दीदी तो थी उस टाइम पे, तो दीदी ने मम्मी को बुलाया और हम लोग गए हॉस्पिटल। तो मुझे आपको दो चीज़ बतानी थी। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि मेरा ये पैर फ्रैक्चर हो गया है और ये सब, और दूसरी जो बात है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो हाँ, और दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, बट मैंने कहा कि आप लोगों को ये बता देते हैं, शूट करना है। मैंने सोचा था कि मैं नहीं बताऊंगी कि क्या हुआ क्या नहीं और ये वीडियो भी नहीं डालूंगी, बट मैं वीडियो नहीं डालूंगी तो फिर बहुत सारे लोग पूछेंगे, आप सोचोगे कि मैं अचानक से कहाँ गायब हो गई। तो मुझे चोट लगा है, मुझे उस बात का बुरा नहीं लग रहा है, मतलब दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा और कहीं चोट उतनी नहीं आई है, यहाँ हाथ में लगा है थोड़ा सा और ये वाला पैर फ्रैक्चर हो गया है। तो मुझे बस इस बात का बुरा लग रहा है ना कि अब मैं YouTube पे वीडियो भी नहीं बना पाऊँगी। मतलब डॉक्टर ने बोला है कि एक महीने तक कुछ नहीं करना है मुझे और इसी चेयर पे ऐसे रहना है और जो करेगा कोई और करेगा। और मेरे दिमाग में इतना सब कुछ था, मैं ये करूँगी वो करूँगी, आपके लिए ये करना है वो करना है, बहुत सारे चीज़ करने थे यार, और अचानक से ये सब हो गया। और गाइस, जो मुझे आपको दूसरी बात बतानी थी वो ये है कि मैंने ये सब जो बोला आपसे और मैंने आके वीडियो बनाया वो सब एक प्रैंक था। मेरा पैर बिल्कुल सही सलामत है गाइस, आपको क्या लगा कि मतलब प्रगति गिर गई, पैर टूट गया, अब तो मतलब एक महीने तक वीडियो ही नहीं आएंगे। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे आप में से कुछ लोगों को वीडियो कॉल करूंगी, दिखाऊंगी उन्हें कि यार कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया एंड ये सब। कैसे हो आप? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। थैंक यू। आज सुनो, मेरा पैर टूट गया है। कैसे टूटा? मेरा पैर टूट गया। कैसे? हाँ, मैं मम्मी से अपने मजाक कर रही थी और मेरा मजाक बहुत ज्यादा हो गया, तो मेरी मम्मी के पास डंडा था और उसी डंडे से मेरी मम्मी ने मेरे पैर पे मार दिया और टूट गया। क्या करूँ, कैसे सही होगा, कोई उपाय बताओ। आराम करो। आराम करूँ? अच्छा, अब तो मेरे वीडियोस भी नहीं आ पाएंगे, मेरा पैर टूट गया है, तो अब क्या करोगे आप? तृप्ति दीदी की देख लेंगे। तृप्ति दीदी का हार्ट टूट गया है, कल ही टूटा है उसका भी हार्ट। ये देखो, ये रहा उसका हार्ट, टूट चुका है पूरा। हम लोग के घर में सबका किसी का पैर टूट गया। हार्ट टूटने का कोई उपाय है? कैसे सही होगा टूटा हुआ हार्ट? ये देखो ना कैसे झूल रहा है इसका हार्ट। यार बहुत जोर से दर्द हो रहा है मुझे। दीदी एक बार नंबर दे दो अपना। अच्छा, लिखो नंबर, लिखो आप बोलो। 9798 आगे का डम डिगा डम डिगा डम। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मेरा पैर वैर नहीं टूटा है, मैं मजाक कर रही थी आपके साथ, प्रैंक कर रही थी, मेरा पैर बिल्कुल सही सलामत है। मेरा पैर टूट गया। क्या हुआ आपको? मेरा पैर टूट गया। अपना पैर दे दो ना प्लीज, मुझे प्लीज, मैं पैर मांगने आई हूँ यहाँ पे, प्लीज मुझे अपना पैर दे दो। नहीं। आपकी कैसे लग गई? वो मैं सीढ़ी पे डांस कर रही थी और डांस करते करते मैं नीचे गिर गई यार। अब हंस रहे हो? ओ नो, अब मेरे दर्द पे हंस रहे हो? नहीं। आपको पता
खर्चा पूरे घर के पंखे और वो सब चल गया कम से कम। किसी को क्या हुआ? क्या किसी की मम्मी ने पिक कर लिया था? इतना ऑकवर्ड लग रहा था। मुझे बहुत दर्द हो रहा ये तो जाएगा, कोई बात नहीं, कैसे ठीक हो जाएगा? पूरा बैग टूट चुका है, देख रहे हो ये मेरा पूरा बैग टूट गया है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। यार मैं चल तो रही, मैं चल इसे प्रैंक में आपके साथ मजाक कर रही थी। मेरा पैर बिल्कुल सही है कि नहीं? वही मैं सोचूं, अगर इतना डांस कैसे कर रही हो? वो आपका भाई है। हाय बाबू, ये देखो मेरा पैर टूट गया। प्रैंक कर रही हूँ, मुझे पता चल गया। मैं तो यार बहुत खराब हूँ इस टाइम पे। तबीयत खराब है आपकी? नहीं एक्चुअली ना मेरे पैर में ना पूरा फ्रैक्चर आया हुआ है। अच्छा मैं देख रही हूँ, मैं तो थोड़ा काम था। ओके ओके ओके। मैंने बोला कि यार मेरे को फ्रैक्चर आया, उसने फोन रख दिया। क्या हुआ? बेइज्जती इनटू 100। उसका मुंह ऐसे हो गया था, ऐसे मतलब उसको हंसी आ रही होगी यार, क्योंकि ये मेरी भी प्रॉब्लम है, मुझे सीरियस मोमेंट में बहुत ज़्यादा हंसी आती है। तो वो बोल रही है मुझे, अच्छा दीदी मुझे कुछ काम आ गया, मैं फ़ोन रखती हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया है? बहुत बुरा लग रहा है। आप बोल रहे हो बहुत बुरा लग रहा है और स्माइल कर रहे हो, ऐसे कैसे बुरा लग रहा है? मेडिसिन ली? मेडिसिन खत्म हो गए पूरी दुनिया से, मैं कहाँ से खरीदूं? सॉरी मेरे रोने की आवाज ना थोड़ी डिफरेंट है, मैंने यूट्यूब पे किसी को नहीं बताया मेरे रोने की आवाज इतनी खराब है। एक मिनट। हाँ क्या मुझे अपना पैर दे सकते हो? मेरा पैर टूट गया है, तो ये देखो मुझसे चला भी नहीं जा रहा, ये देखो पूरा टूट चुका है मेरा पैर। मैं चल के आई हूँ। कहाँ चल के आई हूँ यार? नहीं दीदी आप उठे, दीदी आपने आप उठ के गए वहाँ। यार आपने कुछ गलत देखा होगा, मेरे पैर में इतना दर्द है, देखो मैं बिल्कुल नहीं खड़ी हो पा रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अपना पैर दे दोगे आप? मेरा पैर टूट चुका है, तो डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप किसी अपने सब्सक्राइबर्स ऐसे अपना पैर लेते हो तो जादुई शक्ति आ जाएंगी और मेरा पैर बिल्कुल सही हो जाएगा। दे दूंगी। कहाँ है एड्रेस बताओ, मैं एड्रेस लिखूं। एड्रेस नहीं, एड्रेस लिखता है कटर से, कौन एड्रेस लिखता है? आप एक और बार उठ। अरे वो उठना पड़ रहा है ना, मेरा कॉल आ रहा है तो। अरे वो मेरा हाथ है, मैंने अपने हाथ से ना, मैं अपने हाथ से ऐसे करके उठी हूँ, मेरा पैर तो बिल्कुल नहीं काम कर रहा है। आपका पैर जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। आपकी मम्मी ने आपका पैर तोड़ा है कभी से? मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी अब यार? अच्छा एक और बात बताऊं मैं? क्या? मेरा पैर नहीं टूटा है, मैं मजाक कर रही थी आपसे। ये देखो मेरा पैर बिल्कुल सही है, ये फेक है। मैं तो डर गई। हाँ डर गई थी, आपको क्या लगा था? मैंने पैर तोड़ दिया। हाँ आपके फिर ये पट्टी कैसी बनी हुई है? ये पट्टी नकली है, ये देखो ये नकली है, ये सब नकली है, फेक, पूरा का पूरा फेक है। मैं इसको YouTube पे डालूंगी कि मैं आपको प्रैंक कर रही थी। मजाक मत करो, बताओ ना दीदी। हाँ सच्ची है, मैं YouTube के लिए बना रही हूँ और फिर डालूंगी, आपकी भी वीडियो जाएगी। सच बोल? हाँ सच्ची, अपने पैर की कसम। आपकी सबसे बड़ी फैन है। थैंक यू। बड़ी फैन हूँ। थैंक यू।
परेशान करने के लिए, लेकिन ये सब एक प्रैंक था। पूछो क्यों? क्योंकि आप सब इतने सारे कमेंट्स कर रहे थे ना यार, दीदी प्रैंक करो प्रैंक करो प्रैंक करो। तो मुझे प्रैंक तो करना था, बट मुझे कोई मिल नहीं रहा था कि यार किसके ऊपर करूँ प्रैंक। तो मैंने कहा यार आप इतने इम्पॉर्टेंट हो मेरे लिए, तो थोड़ा आपसे ही थोड़ा मस्ती मजाक किया जाए। तो आई होप आपको बुरा ना लगा हो, एंड मुझे बड़ा मजा आया। मजा तो आपको भी थोड़ा सा आ ही गया होगा ये सुनने के बाद कि अरे हाँ चलो ठीक है प्रैंक है। और अगर आपको और भी प्रैंक वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइस। अरे अरे जा कहाँ रहे हो, ये वाली वीडियो देखी क्या? नहीं देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।